हेलो फ्रेंड्स, विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एवरीडे कुर्ता और साथ ही कुछ अदर आइटम जो मैंने मिंत्रा से रिसेंटली परचेज किए थे। ये सामान मुझे बहुत ज़्यादा लेट रिसीव हुए, इसलिए मुझे सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आपके साथ ये वन बाई वन शेयर करती हूँ और इनका ट्राई ऑन हॉल भी आपको मिल जाएगा। साथ ही इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनका प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वन बाई वन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक कुर्ते का जो मैंने अपने एवरीडे रूटीन में पहनने के लिए परचेज किया है। सो दिस इज़ द कुर्ता, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ब्रांड एनोक से और ये मैंने साइज़ लिया है एल साइज़। और ये एक कट स्लीव्स कुर्ता है जो कि एवरीडे में समर्स में पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, घर में काम वगैरह करना और सारा कुछ। तो ये इस तरह का इसमें प्रिंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसका नेक है और ये मैंने इस तरह से परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर टक्स लगे हुए हैं। सो ये इसका फ्रंट साइड है और बैक साइड में इस तरह से यहाँ पर टक्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि इसकी फिटिंग को काफ़ी अच्छे से इनहेंस बनाते हैं। साथ ही ये प्रिंट है, इसमें येलो और ग्रे कलर का लाइनिंग बनी हुई है। तो मेरे पास ऑलरेडी ग्रे कलर की एक लेगी रखी थी, काफ़ी पुरानी थी वो और कंफर्टेबल है, थोड़ी सी लूज़ भी हो गई है तो मुझे घर में पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। सो इस वजह से मैंने इस कुर्ते को ऑर्डर किया। तो मेरे को इसमें बॉटम वेयर अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से ये। सो आपको ये कुर्ता कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब इसके फैब्रिक की अगर बात करें तो ये एक प्योर कॉटन फैब्रिक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इस तरह की ही कॉटन क्लोथ में पहनना प्रेफर करती हूँ। तो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूँगी, अगर आप भी कर्सलीव्स ढूंढ रहे हैं या पहनते हैं तो यू कैन गो विद इट। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा कुर्ता है वो है कुछ इस तरह का, यू कैन सी हियर। सो दिस इज़ द ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन का कुर्ता है एंड ये है, ये भी एनोक से है और ये दोनों ही कुर्ते एल साइज़ के हैं। और ये कुछ इस तरह का कुर्ता है और ये भी प्योर कॉटन का है, कंफर्टेबल है। साथ ही इस पर जो प्रिंट बनी हुई है वो बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है और इसको पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लुक आता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा कपड़ा हालांकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, यू कैन सी हियर, बट पहनने के बाद बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी इतनी क्रिएट नहीं हो रही है बिकॉज ये डार्क कलर में है। उसी के साथ एक चीज़ इसमें डिसएडवांटेज मुझे लगी है, चूँकि मैंने इसको घर में एवरीडे पर्पस से ही मंगवाया है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो इसमें इस तरह की जो ये रेड प्रिंट रहा है, थोड़ी सी रबर काइंड ऑफ अ प्रिंट है, तो मे बी ये प्रिंट थोड़ा सा दिनों बाद जब धुलेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे या हट जाए या थोड़ा अजीब तरीके से हट जाए। बट मुझे ये कुर्ता पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया था, मैंने इसे रख लिया। और इसमें इस तरह से राउंड नेक है, साथ ही ये बहुत ही प्योर कॉटन है, सिंपल है, प्लेन है और बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ है, तो मैं इसे घर में पहनना बिल्कुल प्रेफर करूँगी। सो नेक्स्ट, अभी कशीदा वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मैंने एक कशीदा वर्क का ही सूट ऑर्डर किया है। साथ ही ये भी एनोक ब्रांड से है और एल साइज़ का है। ये है कुछ इस तरह का सूट, यू कैन सी हियर, ये राउंड नेक है यहाँ पर, इस तरह से इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स पर भी यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई जो कि काफ़ी प्रिटी लुक दे रही है। साथ ही इस तरह से ये एक डिज़ाइन है, यू कैन सी हियर, और इसी के साथ नीचे की साइड पर इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है जो इस पूरे ड्रेस को बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा है। साथ ही इसका जो बैक साइड है वो इस तरह से प्लेन है और ये कॉटन का नहीं है, ये एक जॉर्जेट मटेरियल का है और इसके अंदर अस्तर वगैरह भी लगा हुआ है। पीछे से ये पूरी तरह से प्लेन है, साथ ही पीछे की साइड पर नीचे की तरफ भी इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक क्रिएट कर रहा है। और इन सभी को मैं पहनकर दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह से लगते हैं। मुझे इस तरह का एक पैटर्न की ज़रूरत थी, काफ़ी चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे मंगवाऊँ, ट्राई करूँ। साथ ही इसमें आया है साथ में बॉटम वियर कुछ इसी तरह का और ये वही मटेरियल है जिस मटेरियल को इधर इसमें कुर्ते में बैक में यूज़ किया है। तो ये एक प्लाजो है, ये इस तरह का एक प्लाजो है जो कि पहना जा सकता है और इसे मैंने घर में पहनने के लिए नहीं मंगवाया है, इसे मैंने फॉर ऑफिस पर्पज़ एंड कहीं पर भी घूमने जाना है या कुछ अदर पर्पज़ से इसी कारण से मंगवाया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ डिफरेंट लुक भी क्रिएट करने का मन करता है, वही ऑफिस के कॉटन क्लोथ्स पहनने का मन नहीं करता है कहीं पर भी जाते हैं, तो उस केस में मुझे एक इस तरह का सूट चाहिए था तो वो मैंने परचेज़ किया। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है अगेन घर में पहनने के हिसाब से ही एक कॉटन कुर्ती जो कि है कुछ इस तरह से और ये भी एनोक से है। मैंने ब्रांड नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ डिज़ाइन देखी थी, बट इट्स अ कोइंसिडेंस कि सभी एक ही ब्रांड के कुर्ते निकल गए। उसी के साथ ये भी एक एल साइज़ का है, उसी के साथ ये इस तरह से कॉटन कुर्ता है जो कि आप देख सकते हैं
और इसमें नीचे कुछ इस तरह का डिज़ाइन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और इस पर आप चाहे तो व्हाइट कलर का बॉटम वियर परचेज कर सकते हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप मिक्स एंड मैच करके इसका बॉटम वियर परचेज कर सकते हैं। सो इसका बॉटम वियर मेरे पास नहीं है, सो डेफिनेटली मुझे इसका परचेज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही मैं इसको पहन पाऊंगी। एंड साथ ही ये भी बहुत ही अच्छा सा कॉटन फैब्रिक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, स्पेशली इसका कलर सावन महीने में या मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूँगी। एंड दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट परचेज। सो ये है मेरा कुर्ता। इसलिए है इस बार मिंत्रा से कुछ फुटवेयर्स, जी हाँ, जो इस तरह से है आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो मैंने इस फुटवेयर्स को मैंने काफ़ी टाइम से नज़र लगा के रखी हुई थी फुटवेयर्स पर, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस साइज़ का ऑर्डर करूँ, तो इसे मैंने ऑर्डर किया था। ये आई थिंक 39 साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मिंत्रा पे कुछ और था, आई थिंक 32 या ऐसा कुछ साइज़ था, मैं साइज़ मेंशन कर दूँगी। सो ये इस तरह का एक फुटवेयर है जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से एक हिल बनी हुई है, जिसे मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगी। और ये ब्रांड से है विशुद्ध से, और इसमें इस तरह से यहाँ पर जो बेल्ट है वो ट्रांसपेरेंट है जो कि पहनने के बाद काफ़ी प्रिटी लगता है। और इतनी हील मैं प्रिफर करती हूँ, इससे ज़्यादा हील होती तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बट अगर कहीं पर भी जाना हो तो कई बार क्या होता है सूट्स वगैरह पर हील अच्छी लगती है, स्पेशली साड़ीज़ वगैरह पर, तो उस पर्पस से मैंने इसे परचेज़ किया है। और आप लोगों को मेरी ये परचेज़ कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत टाइम पहले हील पहनी थी, हील भी मैंने कॉलेज ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, तो मेरे पास हील्स बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे फुटवेयर्स जो हैं वो फ्लैट ही हैं। सो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा परचेज़ किया जाए। सो नेक्स्ट फुटवेयर मैंने कुछ परचेज़ किए हैं इस तरह से, तो मुझे वाइट और बैच कलर के ही फुटवेयर परचेज़ करने थे, क्योंकि यही कलर जो होते हैं वो सभी पर ऑलमोस्ट चल जाते हैं, और मुझे ये फुटवेयर वीडियो बनाने के पर्पज़ से ही चाहिए थे। सो यू कैन सी हियर, ये इस तरह से फुटवेयर हैं, आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर इनकी बात करी जाए तो इसमें जो हील है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर फुटवेयर के, बट इट्स ओके, मुझे चलेगा, बिकॉज जब शूटिंग करनी होती है तब मैं इसे कुछ ही सेकंड्स के लिए पहनती हूँ, और जब तक मैं कंफर्टेबल भी हो जाऊँगी इनको पहनने में, तो फिर उसके बाद मैं बाहर भी पहन सकती हूँ। साथ ही ये एनोक ब्रांड से है, अगेन फुटवेयर एनोक ब्रांड से, इट्स अ बिग कोइंसिडेंस। सो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी थी, और वाइट कलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर, सो यू कैन सी हियर। और आप लोगों को ये फुटवेयर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे हैं। सो अगर बात करें इन दोनों के कंफर्टेबिलिटी की, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर कोई फुटवेयर है तो वो ये वाला पेयर ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ये पेयर भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन ट्राई, अगर आप ज़्यादा हील पहनने में कंफर्टेबल है तो आपको एक बार ये फुटवेयर ज़रूर ट्राई करने चाहिए। दोनों ही वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट इसको मैं 9.5 नंबर दूंगी 10 में से, तो उसको 10 out of 10 मार्क्स दूंगी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा दिस इयरिंग, यू कैन सी हियर। सो इसे मैंने परचेज़ किया है मिंत्रा से, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, इसे भी मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये काफ़ी बड़ा झुमका है, आई डोंट नो मैं इसे एवरीडे में कहीं पहन के जाऊंगी या नहीं, बट हाँ वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी मैं काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ, अभी भी मैंने पहनी हुई है यू कैन सी हियर, तो काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने कोई सिल्वर ज्वेलरी परचेज़ नहीं करी है, तो मैंने सोचा एक झुमका पैटर्न का मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास झुमका पैटर्न में जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, कभी कभी बड़े भी चाहिए होते हैं। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इस पैटर्न में मैंने 3 से 4 विशलिस्ट में डाले थे, बट एक बार मैंने सोचा एक ही ट्राई करती हूँ, अगर मुझ पर अच्छे लगेंगे तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं और मंगवाऊंगी। सो दिस इज़ द इयर रिंग्स, और इसके भी प्राइस आपको मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, अच्छे हैं और प्रिटी भी लग रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि ये जितने भारी दिख रहे हैं उतने भारी है नहीं, मतलब ये वाले जो इयर रिंग है ना ये और ज़्यादा डबल भारी हैं इनसे, ये इतने लाइट वेटेड हैं, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप भी मेरी तरह सिल्वर ज्वेलरी और झुमका लवर हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, और ये ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और मिंत्रा से मैंने ज्वेलरी ज़्यादा मंगवाई नहीं है, बहुत एक दो पीस मंगवाए हैं आई थिंक, और उनमें से एक ये पीस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एक यूबेला ब्रांड है, उस ब्रांड से मैंने इयररिंग्स मंगवाए हैं। और मेरा नेक्स्ट जो आइटम है वो भी ज्वेलरी है, जो कि है ज्वेल्स गैलेक्सी से, इस तरह से ये है इयररिंग। और मुझे काफ़ी टाइम से इस तरह के रिंग पैटर्न के इयररिंग्स चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर का कोई भी इयररिंग्स इतने अच्छे हैं नहीं, और कई बार जब गोल्डन कलर का इयररिंग मुझे वियर करना होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती हूँ कि मैं क्या पहनूँ।
सो इस वजह से मैंने इसे परचेज किया है। और अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं इसमें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रिटी प्रिटी डिज़ाइन है तो वो परचेज करूँगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके कि इसे आप पहन के कैसे लगेंगे। सो यू कैन सी हियर कि ये किस तरह से प्रिटी लग रहे हैं एंड इनका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम मिड टाइप का साइज़ है। तो आप डेली रूटीन में भी अगर ऑफिस में पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। मैं इतने बड़े ईयर रिंग्स ऑफिस में नहीं पहनना प्रेफर करती क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना पड़ता है स्कूटी चलाते टाइम, और हेलमेट से ना ईयर रिंग्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं काफ़ी छोटे छोटे स्टड्स पहनती हूँ, तो इसमें स्टड्स वगैरह भी हैं तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो ये पूरा कॉम्बो पैक आता है ना तो एवरी डे का पर्पज़ भी सॉल्व हो जाता है, और अगर आपको ओकेजनली कभी पहनना है तो उसका पर्पज भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बोज ही मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। आप बताइएगा आप लोगों को इनमें से कौन सा इयररिंग अच्छा लगा है। सो मुझे तो ये सारे के सारे अच्छे लगे हैं एंड इसमें मैं और भी मंगवाऊंगी। ज्वेल्स गैलेक्सी इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड इन ज्वेलरीज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के शॉपिंग हॉल अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए अपकमिंग डेज में भी अच्छे अच्छे शॉपिंग हॉल्स लेकर आती रहूँ। तो चलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।